चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है dy by dx is equal to x plus y plus 7 upon 2x plus 2y plus 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब फिर से अगर मैं ध्यान दूं, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूं तो 1 1 2 2, ये आ जाएगा 2 माइनस 2, डिटरमिनेंट आ रहा है 0। डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको मल्टीप्लाई, 0 आ रहा है। डिटरमिनेंट अगर 0 है तो मैं क्या करूंगा, dy by dx is equal to x plus y plus 7, 2 कॉमन लिया तो x plus y plus 3। तो मैं x plus y को सीधा सीधा z पुट करूंगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 plus dy by dx is equal to क्या हो जाएगा, dz upon dx हो जाएगा। जिसका मतलब dy by dx is equal to कुछ नहीं, dz by dx minus 1। सारे के सारे सब्स्टिट्यूशंस हम कर देते हैं, ये वाला भी और z वाला भी, तो ये हो जाएगा dz by dx minus 1 is equal to z plus 7, z plus 7 upon twice of z plus 3। ये हमने कर दिया। अभी जो 1 है उसको लेके आएंगे राइट साइड में, प्लस कर देंगे, तो dz upon dx is equal to z plus 7 अपॉन 2z प्लस 3, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। इसके बाद dz अपॉन dx इज इक्वल टू, जब आप एलसीएम लेंगे प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा z प्लस 7 प्लस 2z प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2z प्लस 3 हो जाएगा। एलसीएम हमने ले लिया प्लस 1 का। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पता पड़ेगा कि dz by dx is equal to 2z plus z हो जाएगा मेरे पास कितना, 3z plus 7 plus 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 upon 2z plus 3। अब इसके बाद आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि आपको वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, 2z plus 3 upon में हो जाएगा 3z plus 10 और साथ में dz is equal to क्या हो जाएगा, सीधा सीधा dx। ये इंटीग्रेशन। अब मैं सेपरेट करके कर सकता हूं, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, पर मैं एक और चीज कर सकता हूं सेपरेट करने से पहले, कि मैं न्यूमिरेटर को या तो मैं सेपरेट करके करूं, या तो मैं न्यूमिरेटर को, मतलब जो 2z plus 3 है, मैं इसे क्या लिखूंगा, a into d by dz of denominator, मतलब 3z plus 10 plus b, ऐसा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस बी, ताकि एक टर्म सेपरेट हो जाए जिसे हम डायरेक्ट टी पुट करके कर दें और एक कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा। देखिए 2z plus 3 is equal to a, ये हो जाएगा कितना, डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 3 हो रहा है डिफरेंशिएशन और साथ में हो रहा है b, तो 2 is equal to हो गया 3 है, क्योंकि z का यहां पर अगर आपने डिफरेंशिएशन किया है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 निकल के आएगा। अच्छा, बात यहां पर खास बात यह है कि 2z plus 3 था न्यूमिरेटर और यहां पर 3z plus 10 था, तो अगर आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि टर्म तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आप ये वाला मेथड यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैंने डिफरेंशिएशन किया वो वाला मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। आप डिफरेंशिएशन ना करो, आप डायरेक्ट a इनटू इस तरीके से डायरेक्ट ही करो बगैर डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन की बात तब होती है जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होती, पर डिग्री बराबर है दोनों की तो आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, वो हम तब करते हैं जब डिग्री बड़ी होती। अभी आप ये कर सकते हो कि 2z plus 3 is equal to सीधा सीधा 3az plus 10a plus b, डायरेक्ट ये। नहीं तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता तो मेरा तो z का जो पावर है, मतलब z तो एलिमिनेट ही हो जाता राइट साइड से। तो अब मैंने अगर कंपेयर किया तो कांस्टेंट यहां पर, अच्छा z का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर 3a है। कांस्टेंट की बात करें तो 10a plus b है और इधर पे कितना, इधर पे तो 3 है, तो a is equal to 2 by 3, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 10 into 2 by 3 plus b is equal to 3, तो b क्या हो जाएगा, 3 minus 20 by 3, तो जो b निकल के आ रहा है 9 माइनस 20 तो माइनस का 11 बाय 3 निकल के आ रहा है। तो चलिए अब a और b की वैल्यूज यहां न्यूमिरेटर की जगह हम पुट करेंगे, न्यूमिरेटर जो था उसकी जगह a into 3z plus 10 और plus b हमें लिखना था,
ताकि हम इंटीग्रेशन और जल्दी कर पाएं। तो ए की जगह मैं लिखूंगा सीधा सीधा 2/3 3z+10 अपॉन डिनोमिनेटर 3z+10, और बी की जगह आ रहा है मेरे पास -11/3 dz/3z+10। भाई न्यूमिनेटर a इंटू दिस और b इंटू सॉरी a इंटू 3z+10 प्लस b है, तो a इंटू 3z+10 और b कितना -11/3, हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया और इज इक्वल टू में क्या बचा हुआ है मेरे पास dx बचा हुआ है सिर्फ, इज इक्वल टू में बचा मेरे पास dx, इसका भी इंटीग्रेशन। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा है 2/3 इंटीग्रेशन, यहां dz आएगा और इसका इंटीग्रेशन आप सीधा सीधा कर सकते हो log of 3z+10 और इसका डिफरेंशिएशन 3z का अपॉन में आ जाएगा 3, dx का क्या हो जाएगा x+c और इसका इंटीग्रेशन यहां पे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका हो जाएगा 1/3z, यहां पर हो जाएगा -11/9 log of 3z+10 is equal to x+c। अभी क्या रखना बाकी है z की वैल्यू, अब z मैंने क्या पुट किया था, z मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया था x+y के बराबर, तो आप z रखो 2/3 x+y -11/9 log of 3 x+y+10 is equal to x+c। तो 2/3 x+y -11/2 log of 3x+3y+10 is equal to x+c। यही आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर, क्या है ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमने क्या क्या किया देखिए, सबसे पहले तो x plus y को हमने z पुट किया क्योंकि ये डिटर्मिनेंट वैसे ही जीरो आ रहा था, तो जैसे ही हमने x plus y को z पुट किया तो मेरा जो इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल लगाने के बाद इस तरीके से रिड्यूस हो गया। मैंने न्यूमिरेटर को थोड़ा मॉडिफाई किया, मैंने न्यूमिरेटर को लिखा a into denominator plus b, तो जैसे ही हमने किया तो a की और b की वैल्यूज हमने निकाली कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, तो a की जगह 2/3 into denominator और b हो गया as it is। तो सेपरेट सेपरेट करते से ही देखिए एक बार तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरी बार आप लॉग लगा के इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर z की वैल्यू वापस से रख देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है dy/dx is equal to x-y+3 upon 2x-2y+5। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं तो 1-1, 2-2 राइट, कोफिशिएंट्स का निकालो, यहां कुछ नहीं तो मतलब 1 तो है ही है, तो आप निकालेंगे तो कितना आएगा -2 -2, ये -2 + 2 क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब मैं इसे लिखूंगा dy/dx is equal to x-y+3 अपॉन में आप लीजिए 2 कॉमन, और आपने जैसे ही 2 कॉमन लिया बचा x-y+5। अब आप क्या करेंगे, आप x-y को पुट कीजिए z, x-y को अगर आप z रखते हैं तो 1-dy/dx is equal to dz/dx। तो जो dy/dx की मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है, dy/dx आ रहा है 1-dz/dx। तो अब ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन हम यहां पर करने वाले हैं, तो देखिए क्या होगा, dy/dx की जगह 1-dz/dx is equal to z+3 upon twice of z+5, ये हो गया इतना। अब बढ़ते हैं आगे, अब मैं साइड चेंज करूंगा इन टर्म्स को इधर और इस टर्म को इधर लेके आ जाऊंगा, मतलब मैं लिखूंगा 1-z+3 अपॉन 2z+5 इज इक्वल टू dz/dx, ऐसा कि ये जो टर्म थी इसको लेफ्ट साइड ले गए, ये जो नेगेटिव dz/dx था ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 2z+5 -z-3 अपॉन 2z+5 इज इक्वल टू dz/dx, जिससे हुआ क्या, ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई होंगी तो z, और 5-3 सिंप्लीफाई हुआ तो 2 अपॉन में क्या हो गया 2z+5। इंटीग्रेशन करना है, अच्छा अभी नहीं, अभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, अभी तो आपको वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, अभी वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास dz/dx, इतना निकल के आ गया।
अब आगे की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए जहां dz है उसके साथ आएंगी ये वाले टर्म, 2z प्लस 5 ऊपर आ जाएगा और z प्लस 2 नीचे आ जाएगा, और इधर पे बचेगा मेरे पास dx को हम इधर लेके आ गए। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहां पर भी z प्लस 2 है, कितना है z प्लस 2 है। अब कैसे किया जाए इंटीग्रेशन, मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस हिसाब से लिखा क्वेश्चन को, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रैक्टिस है। 2z प्लस 5 को मैंने लिखा 2z प्लस 4 प्लस 1 अपॉन z प्लस 2। भाई हम ऐसा कर सकते हैं, हम 5 को 4 प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं, dz तो है ही। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका छोटा सा कारण है, dx इज इक्वल टू ये जो टर्म है, अगर आपने इसमें से 2 कॉमन लिया तो आपके पास z प्लस 2 अपॉन z प्लस 2 dz, ये जो टर्म है इसके अपॉन में z प्लस 2 और फिर प्लस 1 अपॉन यहां पे dz आएगा, 1 अपॉन z प्लस 2 dz, इतना हो चुका है। अब ये दोनों टर्म्स हो गई मेरी कैंसल आउट, ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसल आउट, इसीलिए मैंने सेपरेट किया था, इसको ब्रेक किया था ताकि कॉमन लेने पे डिनोमिनेटर बन जाए। तो मेरे पास बचा क्या है, अब एक बचा है dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 इंटू dz प्लस 1 अपॉन z प्लस 2 dz। अब आप बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे dx का हो जाएगा x इज इक्वल टू 2z प्लस log ऑफ z प्लस 2, ये हो चुका है। साथ में आप c लगाइए, किसी भी तरफ लगा दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब z की जो वैल्यू है मैंने क्या ली थी, z इज इक्वल टू x माइनस y, वह वापस रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z की जगह x माइनस y प्लस log ऑफ z की जगह x माइनस y प्लस 2 और प्लस c, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्या क्या किया हमने, हमने तुरंत देखा कि डिटर्मिनेंट जीरो है तो कुछ कॉमन लेके आप उसे z सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो न्यूमिरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, तो इसीलिए मैंने 2 कॉमन लिया, x माइनस y को मैंने रखा z, x माइनस y को जैसे ही आपने z रखा तो ये सब्स्टिट्यूशंस निकल के आ जाएंगे आपके पास कि dz बाय dx या dy बाय dx किसके बराबर है, वो सब आप पुट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, z की जगह वापस x माइनस y रखेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 4y प्लस 5। अब कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, तो पहले अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो 1 माइनस 2, 2 माइनस 4, तो समझ में आ रहा है कि डिटर्मिनेंट माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, फिर से माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ रहा है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो मैं ये जानता हूं कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और वो क्या होगा, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 2, मैंने अगर कॉमन लिया तो हो गया x माइनस 2y प्लस 5, ये हो गया। अब हम x माइनस 2y को इज इक्वल टू क्या रख देंगे, z, और 1 माइनस 2 dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बाय dx। तो यहां से dy बाय dx की हमें चाहिए वैल्यू, बहुत ध्यान से समझिए कि ये 1 माइनस dz बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ dy बाय dx, सबसे पहले तो ये, अब 2 भी अपॉन में आएगा, मतलब 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 dz बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx की ये वैल्यू है। सबसे पहले हमने dy बाय dx की वैल्यू निकाली, अब ये वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी है, तो देखिए क्या होगा, dy बाय dx की जगह मैंने रखा हाफ माइनस हाफ ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर रखेंगे आप जेड प्लस 3 अपॉन क्या रखेंगे, ट्वाइस ऑफ जेड प्लस 5, ये हो गया। अब 2 को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये जो 2 इधर से आ रहा है ना उसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2, मैंने कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2z प्लस 6 अपॉन 2z प्लस 5। अब साइड चेंज करेंगे, dz बाय ds पॉजिटिव होगा और 2z प्लस 6 अपॉन 2z माइनस ये प्लस 5 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस 2z प्लस 6 अपॉन 2z प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बाय dx, ये। अब आती है बारी LCM लेने की, तो 2z प्लस 5 माइनस 2z
माइनस सिक्स अपॉन टू जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, ये हो गया। अब 2z से 2z हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा 2z प्लस फाइव, ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास हो गया dz by dx, इतना ये निकल के आ गया। अब आपको फिर से साइड चेंज करके वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा। जब मैं वेरिएबल सेपरेबल लगाऊंगा तो इधर तो हो गया माइनस ऑफ डी एक्स, इधर हो जाएगा 2z प्लस फाइव इंटू डी जेड। अब आप कीजिए इंटीग्रेशन, तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया टू जेड स्क्वायर बाय टू प्लस फाइव टाइम्स ऑफ जेड, इतना हो गया। टू से टू आपका कैंसिल आउट हो गया और साथ में किसी भी एक साइड आप सी लगा दीजिए, सी मैंने उधर लगा दिया है। अब जेड की जगह हमें वैल्यू रखनी है तो सी माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर और प्लस फाइव टाइम्स ऑफ जेड, और z की जगह मेरे को फिर से क्या रखना है z की जगह वैल्यू जो कि है x माइनस टू वाई जो हमने लेट किया था x माइनस टू वाई, ये हो चुका। अब c माइनस x इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा तो 4xy प्लस 5x माइनस 10y। अब अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो देखिए x स्क्वायर का एक ही टर्म है, y स्क्वायर का एक ही टर्म है, xy का एक ही टर्म है, पर एक एक्स इधर भी है और एक इधर भी है, तो सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, ये माइनस एक्स इधर आगे फाइव में ऐड हो जाएगा तो सिक्स एक्स और माइनस टेन वाई, ये हमारे इक्वेशन का क्या है फाइनल आंसर। क्या क्या कर दिया हमने, हमने और कुछ नहीं, पहले डिटर्मिनेंट चेक किया तो जीरो आ रहा था तो डिनोमिनेटर में से टू कॉमन लिया तो इस टर्म को हमने जेड पुट किया, डिफ्रेंसिएशन किया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई जो हमने यहां पर पुट कर दी, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे एक तरफ z और एक तरफ x के टर्म्स होंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, z की जगह वापस से वैल्यू रख देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।